दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद दिए गए इंटरव्यू में रोहित शर्मा ने इस मैच में मुंबई इंडियंस टीम के साथ हुई बेईमानी पर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए आईपीएल 2024 के 43rd लीग मैच में डीसी के दिए गए 258 रन के टारगेट को चेज करने के लिए एमआई की टीम ने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद एमआई को इस मैच में 10 रन की हार का मुंह देखना पड़ा। और इस दौरान जब तय समय के बाद भी मैच खत्म नहीं हुआ, तब अंपायर्स को डीसी की टीम पर स्लो ओवर रेट का नियम के तहत सर्कल के बाहर 5 खिलाड़ियों को रखने वाला नियम लगाना था, लेकिन अंपायर्स ने ऐसा नहीं किया। इस वजह से हार्दिक और रोहित की अंपायर्स के साथ बहस भी हुई और इसके बारे में ही रोहित शर्मा ने बात करते हुए कहा कि इस मैच में अगर एम्पायर्स ये गलती ना करते तो मैच का रिजल्ट शायद कुछ और ही होता। हमने इस मैच को जीतने के लिए बहुत मेहनत भी की थी। दोस्तों, एम्पायर्स की इस गलती पर आप क्या कहेंगे, कमेंट में बताइए।